कार्बोहाइड्रेट्स एज एनर्जी सोर्स एंड वाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसाक्राइड डाई एंड पोलोसैक्राइड्स एज स्ट्रक्चरल सपोर्ट कार्टन सेलुलोज गोकलक्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल स्टूडेंट्स यहाँ इस के अंदर हम ये देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनिमल्स के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं या लिविंग थिंग में इन जनरल क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि तो बायोमालिक्यूल्स की फोर मेजर क्लासेस हैं बायोमालिक्यूल्स में बात प्रोटीन है प्रोटीन के बाद लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं तो ये इन तीन की नस्बत कार्बोहाइड्रेट्स क्या डिफरेंट जो है हाँ परफॉर्म कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो दो मेजर रोल्स हैं एक विद रेफरेंस टू एनर्जी प्रोवाइडिंग है कि वो एनर्जी क्या कह करेंग प्रोवाइड करेगा और दूसरा जो इसका मेजर रोल है वो है कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है हाँ वो उसको बनाएगा विद रेफरेंस टू एनर्जी अगर हम देखें तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कार्बोहाइड्रेट अच्छा मेन सोर्स में क्यों कह रहा हूँ बेसिकली जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी मिलती है लिपिड्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लेकिन ज़्यादातर एनर्जी जो आती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है जैसा करें सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स से आएगी और तकरीबन थर्टी फाइव परसेंट या थर्टी फाइव परसेंट एनर्जी जो है वो लिपिड से या प्रोटीन से आएगी तो इसका मतलब यह है कि जो मोस्ट ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्राम दी कार्बोहाइड्रेट्स एट एन एवरेज वी रिक्वायर टू ट्वेंटी फाइव टू थ्री ट्वेंटी फाइव ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे एक दिन में हमें तकरीबन तो जितने कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो रिक्वायर हैं ताकि हमारी एनर्जी नीड जो है वो पूरी होती रहे अब कार्बोहाइड्रेट्स में ये एनर्जी जो है वो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अब इसमें जो फर्स्ट वन जो एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज होते हैं वो है मोनोसाकर ग्लूकोज सबसे प्राइमरी जो सोर्स है एनर्जी का हमारी बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज है ग्लूकोज बेसिकली इट इज़ सेंथिसाइज ड्यूरिंग द फोटोसेंथेटिक प्रोसेस प्लांट्स को सेंथिसाइज करते हैं ग्लूकोज को प्लांट खुद भी इससे एनर्जी हासिल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन जबकि जो एडिशनल अमाउंट होती है वो एनिमल्स यूज़ करते हैं उसको तो इससे ग्लूकोज इज सेंथिस ड्यूरिंग फोटोसेंथिस ये एक मोनोसेक्राइड है जो एनर्जी प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहा है और एनिमल्स को भी जो प्रोवाइड कर रहा है जी इसके अलावा जितने भी ऑल अदर लिविंग टाइप्स हैं जैसे बैक्टीरिया है फंगस है दे आर आल्सो गेटिंग एनर्जी फ्राम मोनोसेक्राइडस अदर मोनोसेक्राइड्स में फ्रुक्टोज एंड गलेक्टोज हैं ग्लैक्टोज जब हम फूड में लेते हैं गलेक्टोज बेसिकली मिल्क शुगर के अंदर मौजूद है जब हम मिल्क लेते हैं तो ये जब ब्रेक डाउन होगी हमारी बॉडी के अंदर जाकर तो उसे ग्लेक्टोज़ बनेगी ग्लेक्टोज हमारी बॉडी के अंदर जाकर सेल के अंदर जाकर इस कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज़ तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है तो इससे हमें जो एनर्जी मिलेगी जब फ्रुक्टोज जो है फ्रुक्टोज डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है कि ये एक पाथवे है जिसमें है जिसको हम रेस्परेशन या सेलुलर रेस्परेशन का नाम देते हैं ग्लाइकॉलिस फिर साइकिल फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये वो साइकिल चलता है ये वो स्टेप्स हैं जिसके दौरान ए टी पी जो वो प्रोड्यूस होती है तो सेकेंड वन द डायक्राइड डाई सेक्राइड आर आल्सो यूज एज एनर्जी सोर्स मोनोसेक्राइड प्योरली हम कम लेते हैं क्योंकि जो हम डाई सेक्राइड या पोलिसेक्राइड लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर मोनोसेक्राइडस बनाते हैं तो सेलुलर लेवल के ऊपर तो हमें मोनोसेक्राइड्स ही मिलते हैं लेकिन जो हम इनटेक करते हैं फॉर एनर्जी यूज़ उसमें हमारे पास डाई एक इंपॉर्टेंट है जैसे हम मिल्क लेते हैं तो मिल्क के अंदर जो है वो बेसिकली क्या है मिल्क शुगर है मिल्क शुगर कौन सी है इट इज लैक्टोज तो लेकटोज ऐसे रस है सुक्रोज सुक्रोज का जो नेचुरल सोर्स सुक्रोज को हम आमजबान में चीनी कहते हैं यानी शुगर जो है वो टेबल शुगर जो है वो तो जो सुक्रोज है इसका जो नेचुरल सोर्स है दैट इज द शुगर केन शुगर केन है और इसके अलावा शुगर बीट्स हैं चुकंदर है यानी गन्ना और ये इसके नेचुरल सोर्स हैं जबकि हमारे यहाँ पर आपको पता है शुगर मिल्स जो हैं दे आर वेरी फेमस और लिहाज से भी फेमस हैं लेकिन ज़्यादातर जो इसका वो चूँकि शुगर हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होती है और हम हमारे मुल्क में अलमदिल्ला काफ़ी ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है शुगर के मामले में तकरीबन जो है वो सेल्फ सफिशेंट हैं ख़ुद कफील फील है अब जो शुगर है एक तो हम डायरेक्टली जो वो लेते हैं इसको और डिफरेंट डेजर्ट्स वगैरह जितने बनाते हैं उसके अंदर शुगर मौजूद है इवन जितने भी हम बेकरी प्रोडक्ट्स या जो भी मीठा खाते हैं उसके अंदर बेसिकली सुक्रोज ही मौजूद होता है ये डाई है इस ऐसे जो कुछ ऐसे हैं जो जिनके जिसमें माल्ट माल्ट हैं डिफरेंट टाइप्स के या कह सकते हैं कुछ स्वीट पोटैटोज़ हैं तो ऐसी चीज़ें जो लिटिल बिट स्वीट हैं जो पोलीसेक्राइड से बेसिकली जो पोटैटोज़ हैं वो स्टार्च या स्टार्च की थोड़ी सी ब्रेकडाउन होगी तो उससे माल्टोज बन जाएगा तो माल्टोज भी एक एडिशनल थर्ड डाई है जो एज एनर्जी सोर्स के तौर तो पर यूज होता है ये जितने भी डाइसेक्राइड हैं दे आर पार्ट ऑफ आवर डाइट वी इनटेक दैम डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाकर ब्रेक डाउन होंगे उससे मोनोसेक्राइड रिलीज होंगे तो हम कह सकते हैं कि डाई सेक्राइड आर सो एनर्जी सोर्स लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है डायसेक्राइड डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बल्कि डायसेक्राइड जब हम इनटेक करते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाकर सुक्रोज की ब्रेकडाउन करने के लिए सुक्रेज मौजूद है सुकरेज तो इसको सुक्रोज को ब्रेक डाउन कर देगा उसमें से ग्लूकोज अलग कर देगा फ्रुक्टोज अलग कर देगा फिर ये ब्लड में चली जाएंगी दोनों चीज़ें इस तरह से अगर हम माल्टोज ले रहे हैं तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर माल्टेज एंडजाइम मौजूद है वो क्या करेगा माल्टेज जो है वो माल्टोज की ब्रेकडाउन करेगा दोनों ग्लूकोज को अलग अलग कर देगा और ब्लड में चले जाएंगे दोनों इस तरह से अगर लैक्टोज मिल्क हम ले रहे हैं तो जो मिल्क शुगर है माल्टो जो लैक्टोज है लेकटोज की ब्रेकडाउन के लिए लैक्टेज एंडजाइम हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद है वो क्या करेगा कि लैक्टोज की ब्रेकडाउन करेगा लैक्टोज में से गलेक्ट्रोज को अलग कर देगा ग्लूकोज को अलग कर देगा और फिर ये दोनों ब्लड में एब्जॉर्व होकर सेल्स तक पहुंच जाएंगे पोलिसक्राइड्स पोलिसक्राइडस एनर्जी सोर्स के तौर तो पर जो यूज होते हैं वो ग्लाइकोजन है और सेलु, स्टार्च है और इसके अलावा सेलुलोज भी है सेलुलोज का खैर हम इसको देखते हैं स्टार्च में जो हम फूड इनटेक करते हैं मोस्टली इट इज़ स्टार्च एनर्जी के तौर पर हम क्या करते हैं जितने बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं ठीक है रोटी खाते हैं हम चावल खाते हैं ठीक है राइस ब्रेड जितनी भी चीज़ें हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ स्टार्च वो सब स्टार्च है हमारी बॉडी के अंदर जैसे वो इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बन जाएगा और एनर्जी बॉडी को मिलेगी ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन हमारे फूड में तो कम है ज़्यादातर ग्लाइकोजन हमारे जो फूड हम लेते हैं वो एडिशनल जो ग्लूकोज है जो अजाफी ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फार्म में स्टोर हो जाता है तो ये ग्लाइकोजन फिर बाद में ग्लूकोज प्रोवाइड करती है सेलुलोज ह्यूमन जो इंसान जो है वो सेलुलोज को यूटिलाइज नहीं कर सकता लेकिन बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सेलुलोज की ब्रेक डाउन करते हैं और इसे ग्लूकोज मालिक्यूल जो है वो बनाते हैं और फिर उसे एनर्जी हासिल होती है तो इससे स्टार्च ग्लाइकोजन और सेलुलोज तीनों चीज़ें टूटती हैं तो ग्लूकोज बनता है और फिर ग्लूकोज आगे एनर्जी जो है वो डायरेक्ट एनर्जी सोर्स के तौर तो पर यूज होता है तो हम कह सकते हैं पोलिन सेक्टर जो इनडायरेक्ट एनर्जी सोर्स हैं इनसे जो बनने वाला ग्लूकोज है वो डायरेक्ट एनर्जी सोर्स होगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है उसमें काइटन और सेलुलोज आर वेरी इंपॉर्टेंट काइटन एग्जोस्केलेटन ऑफ सम इनवर्टिब्रेट स्पेशली आर्थरोपोर्ट्स जो हैं आर्थरोपोर्ड्स में इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स वैसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जमीन के ऊपर मौजूद है, हैं एनिमल्स में लिविंग एनिमल्स का तकरीबन नाइन्टी परसेंट जो है वो इंसेक्ट्स हैं और सारे सारे इंसेक्ट का जो एग्जोस्केलेटन है वो जो है काइटन का बना हुआ है अच्छा इसी अप्रोच को देखते हुए अब साइंटिस्ट इस चीज़ पे जा रहे हैं कि क्यों ना अगर काइटन जो है इसको हम ब्रेक डाउन करें और इसे डिफरेंट जो है वो फूड या फिर कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक जो है वो मटीरियल जो है तैयार किया जाए काइटन के ब्रेक ब्रेकडाउन करने से बहरहाल काइटन इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जोस्केलेटन ठीक है इंसेक्ट्स का इसके अलावा क्रस्टेशन क्रस्टेशन भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं लेकिन ये वाटर के अंदर रहते हैं ठीक है क्रैब्स वगैरह जो होते हैं ये क्रस्टेशन में आते हैं तो काइटन क्या करती है कि एक स्पोर्ट प्रोवाइड करती है एक तो जो एग्जोस्केलेटन है वो स्पोर्ट प्रोवाइड करेगा दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है इसका प्रोटेक्शन भी देती है क्योंकि एग्जोस्केट्टन वेरी हार्ड होता है नीचे सॉफ्ट एनिमल इसके अंदर है तो जो प्रीडेटर है वो आकर इसको ऊपर से खाने की कोशिश करेगा ऊपर से हार्ड एग्जोस्केल्टन की वजह से वो इसको जो एनिमल है वो सेव रहता है इसलिए अगर आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखें ना बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनको प्रीडेटर तब अटैक करते हैं जब उनका एग्जोस्केल्टन उतरता है मोल्टिंग होती है ना कि जब वो एग्जोस्केल्टन उतरना है एनिमल ना थोड़ा बड़ा होना फिर एग्जोस्ल्टन बनना है तो वो जब एक एग्जोसकेलेटन उतर कर नया एग्जोस्कैल्टन बनने का टाइम है उस दौरान मोस्टली प्रीडेटर अटैक करते हैं क्योंकि वो एग्जोसकेल्टन उनको उस वक्त हिंडर नहीं करता है दूसरा इंपॉर्टेंट रोल सेलुलोज है सेलुलोज जो है ये प्लांट्स के अंदर मेन इसका रोल है कि प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेलुलोज का बना हुआ है ग्लाइको तो ग्लाइको की टर्म जो है वो बहुत कॉमन नहीं है लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये बेसिकली ग्लाइको जो अगर सेल का हम नॉर्मल तो ड्रा करते हैं जहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं ये सेल है लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनो माइक्रोग्राफ देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को देखें तो उसके बाहर सेल में बहुत सी ब्रांचेज निकली होती हैं ऐसे वॉरल निकले हुए हैं यू समझे जैसे सार के ऊपर से बहुत से बाल हैं या बॉडी के ऊपर से बहुत से हेयर वायर निकले हुए हैं इसी तरह सेल के ऊपर बहुत सारी जो है वो साइड्स के ऊपर जो है ब्रांचेज जो है वो निकली होती हैं वो बेसिकली जो ब्रांचेज सेल के बाहर निकली है उसको कहते हैं ग्लाइको और वो कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए होते हैं ग्लाइको का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो सेल का बाकी इन्वामेंट से रबता है यानी दूसरे सेल से सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होती है वो ग्लाइको के थ्रू होती है इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो मालिक्यूल आकर सेल से अटैच होते हैं उनको रिकग्नइज करना आइडेंटिफाई करना भी ग्लाइको का काम है तीसरा जो जो लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है वो एक्सा मटेरियल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं एक्सटा मटेरियल में डिफरेंट सेल्स को इम्प्रेगनेट करना अगर हम देखें ना हमारे बोन्स के सेल बड़े सीमट हुए हैं ठीक है बोन के अंदर बिल्कुल जो फिक्स हुए हैं क्यों क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर मेटीरियल ने उसको बिल्कुल फिक्स किया हुआ है इस तरह से हमारी स्किन के अगर सेल्स से हैं अगर देखें तो ये भी बिल्कुल जो है क्या है फिक्स रहते हैं यानी कि अगर हम इसको देखें ये हार्ड है हालांकि सेल की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ी सी इतनी इतनी हार्ड नहीं होती है सेल मेम्ब्रेन तो वैसे ही फ्लूड होती है तो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है जो सेल्स को इम्प्रेगनेट करता है सीमेंट की तरह उसको क्या करता है उनको जोड़ देता है तो एक्सा सेलोमेटोली तो फिर कहा मौजूद है जितना जहां भी सेल्स के बाहर का एन्वायरमेंट सेल्स को इकट्ठा करने के लिए मौजूद है जॉइंट्स हमारे जो हैं जो जॉइंट्स के अंदर जो है वो जिसको कहते हैं कि जोड़ों के अंदर जो शोरबा खत्म हो गया है वो शोरबा नहीं बेसिकली क्या है कि उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूड है एक्चुअली तो साइनोवियल फ्लूड के अंदर मैक्सिमम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मौजूद हैं विट्रस ह्यूमर आइस का जो है ठीक है आइस के अंदर जो फ्लूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं टेंडेंस लिगामेंट्स और स्किन के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं